गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट अपडेट के बारे में। आज हम आपको लेके चलेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनाया जा रहा है रिंग रोड, वाराणसी के इंटरनल ट्रैफिक को कम करने के लिए, क्योंकि वाराणसी एक पुराना सिटी है। इनफैक्ट इंडिया के ओल्डेस्ट सिटीज़ में से एक वाराणसी भी आता है, इसलिए यहाँ इंटरनल रोड्स को बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। इस वजह से बैक इन 2000 जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, तब बीजेपी गवर्नमेंट ने प्लान किया था इस प्रोजेक्ट को एट ए कॉस्ट ऑफ 3400 करोड़। यह प्रोजेक्ट यूपी में दो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने वाला है, वाराणसी और चंदौली डिस्ट्रिक्ट। बट जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है, इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाता है, या फिर अब यूँ कहें कि डस्टबिन में चला जाता है यह प्रोजेक्ट। 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट वापस से पावर में आती है, तब ये इस प्रोजेक्ट पर दोबारा से काम स्टार्ट होता है। इस रिंग रोड प्रोजेक्ट को फेजेस में स्टार्ट किया गया। पहला फेज इसका स्टार्ट होता है 2015 में, और 3 साल के कंस्ट्रक्शन पीरियड के बाद 2018 में ये बनकर तैयार हो जाता है। और 12 नवंबर 2018 को हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेशन करते हैं। फेज वन का पूरा लेंथ है 16.55 किलोमीटर का, और इसे बनाया गया था एट अ कॉस्ट ऑफ 759.36 करोड़। फेज टू को दो पैकेज में प्लान किया गया था, जिसका पैकेज वन 2021 में बनकर रेडी हो चुका था, और इसे दोबारा से इनोग्रेट किया गया अक्टूबर 2021 में बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। फेज टू का पैकेज टू में अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। इस पैकेज का पूरा लेंथ है 27.270 किलोमीटर का। इस पैकेज में एक मेजर ब्रिज है जो कि गंगा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, जिसका लेंथ इनिशियली 1472 मीटर का था, यानी कि 1.472 किलोमीटर, बट लेटर ऑन इसे इंक्रीज कर दिया गया और अब इसका लेंथ है 1762 मीटर का, यानी कि 1.762 किलोमीटर का। इस पैकेज को कंप्लीट करने का डेडलाइन था फरवरी 2022, बट लेटर ऑन डेडलाइन को इंक्रीज कर दिया गया और फिर ये हो गया फरवरी 2024। और आज हम इस वीडियो को देख रहे हैं, ये है जुलाई 2024, बट अभी तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कम्प्लीट नहीं हो पाया है। रीज़न काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे कि ब्रिज का लेंथ का इंक्रीज हो जाना, कोविड-19 और मैनी मोर। लिस्ट लंबी है जैसा कि हमेशा होता है। आइए देखते हैं कितना प्रोग्रेस हुआ है इस प्रोजेक्ट में। 27.270 किलोमीटर के एरिया में मेजॉरिटी एरिया बनके तैयार हो चुका है। मैंने पूरे एरिया को एक्सप्लोर तो नहीं किया, रियली सॉरी फॉर दैट, बट जितना भी एरिया मैंने एक्सप्लोर किया है और कुछ लोकल लोगों से हमने बात की, तो हमें पता चला कि मेजॉरिटी एरिया बन चुका है। काफ़ी एरियाज में लेन मार्किंग और स्ट्रीट लाइट्स तक काम कंप्लीट हो चुका है। जो मेजर वर्क पेंडिंग है 27.270 किलोमीटर के एरिया में, वो है गंगा नदी पे बन रहा ये मेजर ब्रिज। वैसे तो इस ब्रिज को एज ए सिग्नेचर ब्रिज कहा जा रहा है, और मीडिया में तो ये भी आ रहा है कि इस ब्रिज का एक एरिया ऑपरेशनल किया जाना था मई 2024 में, बट वो भी हो नहीं पाया। और फिर से रीज़न काफ़ी सारे हो सकते हैं उसके पीछे। करेंटली हम चंदौली के साइड से संदाहा के साइड जा रहे हैं। इस एरिया में आप देखिए तो ब्रिज का मेजॉरिटी वर्क पेंडिंग है। करेंटली सिर्फ एक ही लेन पे काम चल रहा है, दूसरे लेन के लिए पिलर्स का काम स्टार्ट भी नहीं हुआ है पूरी तरीके से। करेंटली पिलर के वेल के ऊपर ही काम चल रहा है। हर एक पिलर पे लॉन्चर लगा हुआ आपको दिखाई देगा, इससे आप ये समझ सकते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर को लॉन्च करने का प्रोसेस चल ही रहा है। पिलर्स की हाइट देख के आपको काफ़ी ज़्यादा लगेगा। रीज़न है क्योंकि वाराणसी से होके, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि वाराणसी से रिवर क्रूज़ भी चलती है, तो रिवर क्रूज़ इजीली इस ब्रिज के नीचे से क्रॉस हो जाए, इसी तरीके से इन पिलर्स को डिज़ाइन किया गया है। और जैसे जैसे हम संदाहा के साइड चलते हैं, आप देखेंगे सुपर स्ट्रक्चर पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है काफ़ी सारे पिलर्स पे, बट अभी काफ़ी सारा वर्क पेंडिंग है इस ब्रिज को ऑपरेशनल करने के लिए। करेंटली आप देखेंगे क्रैश बैरियर्स भी इंस्टॉल नहीं हुआ है यहाँ पर। और जैसे जैसे हम ब्रिज के एंड के सेक्शन में पहुंचते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे अप्रोच रोड पे भी काम चल रहा है, बट अप्रोच रोड के आगे का एरिया पूरी तरीके से बन चुका है, स्पेशली अगर हम संदाहा के साइड जाते हैं तो।
वैसे ही अगर हम चंदौली के साइड देखेंगे तो वहाँ पे भी ब्रिज के एंड के एरिया में काफ़ी ज़्यादा वर्क पेंडिंग है। इनफैक्ट वहाँ पे भी अप्रोच रोड पे काम चल रहा है। और यहाँ से आगे जितना भी एरिया आप देखेंगे मेजॉरिटी एरिया में मेजॉरिटी वर्क कंप्लीटेड है। मेरा मतलब है कि मोस्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जब तक गंगा नदी पे बन रहा सिग्नेचर ब्रिज बन के तैयार नहीं हो जाता है, इस स्ट्रेच को ऑपरेशनल करना इम्पॉसिबल है। और करेंटली स्टेटस देख के मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 6 महीने में ये ब्रिज का एक लेन एटलीस्ट सक्सेसफुली ऑपरेशनल हो जाना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून, एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।